जय हिंद दोस्तों, मैं रवि मोहन शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएससी मंत्रा पर। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं, वो है नेशनल फिल्म अवार्ड्स NFA यानी कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। चूंकि दोस्तों आज ये 23 दिसंबर को इन पुरस्कारों का वितरण हुआ है, इसीलिए मैं इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अगले पुरस्कारों की तरफ। 66वें राष्ट्रीय पुरस्कार थे ये, इनकी घोषणा दोस्तों की गई थी 9 अगस्त 2019 को, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये 2018 में ये जो मूवीज रिलीज हुई थी उनके आधार पर ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं किस किस को कौन सा पुरस्कार मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है आयुष्मान खुराना को अंधाधुन मूवी के लिए और विक्की कौशल को उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। अगला अवार्ड मिला है वेस्ट फिल्म का अंधाधुन मूवी के लिए। बेस्ट एक्शन डायरेक्टर का अवार्ड मिला है KGF के लिए प्रशांत नील को। इसके डायरेक्टर थे कौन थे, प्रशांत नील। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का अवार्ड मिला है पद्मावत मूवी के लिए संजय लीला भंसाली को। अगले अवार्ड की तरफ चलते हैं। सामाजिक मुद्दे पर सबसे बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो मिला है पैडमैन को, अक्षय कुमार की मूवी थी पैडमैन। अगले अवार्ड की तरफ चलते हैं। बेस्ट एंटरटेनमेंट फिल्म बधाई हो, ठीक है, आयुष्मान खुराना की मूवी थी ये, बधाई हो, इसको मिला है ये। बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है अरिजीत सिंह को जिंते दिल के लिए और पद्मावत के लिए, ठीक है। दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, इसका अवार्ड मिला है आदित्य घर को उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, ठीक है। उरी में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके ऊपर जो मूवी बनी थी इसके लिए दिया गया था यह अवार्ड। अब दोस्तों प्रश्न कहां क्या पूछे जाएंगे इससे, वो ये हैं। पहले तो हम लोग पॉइंट की तरफ देख लेते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 10 अक्टूबर 1954 से दिए जा रहे हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, 10 अक्टूबर 1954 को। अब पहला प्रश्न इससे संबंधित जो है वो हम लोग देख लेते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया था, तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था कीर्ति सुरेश को। ये मानती मूवी थी, तेलुगु फिल्म मानती के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया था, शिवानंद किरकिरे को चुंबक मूवी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है, सुरेखा सीकरी को बधाईयों के लिए। इनसे तो आप परिचित होंगे, सुरेखा सीकरी जी से, ठीक है। दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, तो अंधाधुन के लिए दिया गया था यह अवार्ड। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बेस्ट स्क्रीन प्ले फिल्म को अवार्ड किसे दिया गया था, तो अंधाधुन मूवी को। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड भी अंधाधुन को दिया गया था और बेस्ट स्क्रीन प्ले मूवी का भी अवार्ड किसे दिया गया था, अंधाधुन को। बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था, बधाई हो को। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक मुद्दों पर बनी बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, पैडमैन को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, आदित्य घर को उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का अवार्ड किसे मिला है, तो संजय लीला भंसाली को फिल्म पद्मावत के लिए। अगला प्रश्न है बेस्ट एंटरटेनमेंट मनोरंजक फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, बधाई हो को। बेस्ट डायरेक्शन फिल्म अवार्ड किसे दिया गया है, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बेस्ट एक्शन फिल्म का अवार्ड किसे दिया है, KGF को। बेस्ट एक्शन डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, प्रशांत नील को फिल्म KGF के लिए। ये डायरेक्टर हैं KGF के। पर्यावरण संरक्षण पर बनी बेस्ट फिल्म फीचर का अवार्ड किसे दिया गया है, पानी मूवी को, ठीक है। दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड किसे दिया गया है, उत्तराखंड को। दोस्तों सबसे ज्यादा जो मूवी बनाई जाती है भारत के अंदर वो उत्तराखंड में ही बनाई जाती है, क्योंकि वहां का एटमोस्फियर और वहां की प्रकृति बहुत ही मनोनी है, इस वजह से वहां पर उनको फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड दिया गया है। अब दोस्तों नोट दिया गया है,
66वें राष्ट्रीय अवार्ड नई दिल्ली में आयोजित हुए थे और उनको वितरण किसने किया था? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने, ठीक है, जिसमें अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन दोस्तों, चूंकि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से ये कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सके, लेकिन फिर भी अगर प्रश्न पूछा जाता है कि 2018 का दादा साहेब पुरस्कार किसे दिया गया है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है अमिताभ बच्चन को। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हो गए हम लोगों के 2019 के पुरस्कार। अब 2018 के हम लोग पुरस्कार देख लेते हैं दोस्तों। क्योंकि 2018 में MPPCS की परीक्षा नहीं हुई थी, इस वजह से हम लोगों को 2018 के प्रश्न पढ़ना आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों, मुझे लगता है कि 2018 से प्रश्न बनने की ज्यादा संभावना है, इसीलिए आप लोग 2018 को भी एक बार पढ़ लीजिए। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 13 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली के शास्त्री भवन में 65वें राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई थी। ठीक है दोस्तों, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो खिताब था वो किसने जीता था? रिद्धि सेन ने फिल्म नगर कीर्तन के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो खिताब था वो किसने जीता था? दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी ने, किस मूवी के लिए? मोम के लिए। इनकी मूवी थी मोम, उसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया था। चूंकि आपको बता देता हूं कि 2018 में ही इनकी मृत्यु हो चुकी है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो न्यूटन मूवी को दिया गया है। यह राजकुमार राव की न्यूटन मूवी है, यह आप देख रहे होंगे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ब्लेज रॉक स्टार का अवार्ड दिया गया है असमिया फिल्म को। ठीक है, ब्लेज रॉक स्टार जो कि एक असमिया फिल्म है, इसको ब्लेज रॉक स्टार का अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पॉपुलर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? बाहुबली 2 को। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जयराज को दिया गया है भयानकम मूवी के लिए। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक डायरेक्टर किसको दिया गया है इसका अवार्ड? AR रहमान साहब को। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सर्वश्रेष्ठ गायक पुरुष में किसको दिया गया ये अवार्ड? येशुदास को। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सर्वश्रेष्ठ गायिका महिला में ये किसको अवार्ड दिया गया है? तिरुपति को। तो दोस्तों, आपको 2019 से जितने भी पुरस्कार थे सबके बारे में मैंने बता दिया है, 66वें राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में, और उसी के साथ साथ 2018 के पुरस्कार भी हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, अब दोस्तों फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं कि अमिताभ बच्चन को कौन सा अवार्ड दिया गया था? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, और ये कौन से पुरस्कार थे? 66वें नेशनल फिल्म अवार्ड। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।